वेलकम गाइस, ओप्पो का फ़ोन। इसको अगर आप जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है तो कैसे चेंज करेंगे ये मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेंगे। जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा वो सेम स्टेप आपको फॉलो करना है और आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम जो आई है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, बस स्टेप आपको फॉलो करना है और कोई बात नहीं। ये सारे आइकन जो है आपको अभी अदर लैंग्वेज में शो हो रहे होंगे, बस आप स्टेप फॉलो करें और आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम फ़ोन की सेटिंग के अंदर। ये फ़ोन की सेटिंग नॉर्मल आ गए, हम स्लाइड करके नीचे आएंगे तो यहाँ से भी आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों तरफ से आप जो है फ़ोन के अंदर सेटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं, चाहे कहीं से भी जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर आपको स्लाइड करके नीचे आना है, यहाँ पर आपको ए का सिंबल दिखेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर टच कर देना। ठीक है, फिर ऊपर से आपको काउंट करना है 1 और 2। 2 पे जो भी लैंग्वेज आएगी आपको उस वाले ऑप्शन पे टच कर देना है। ये ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ से आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ से डन करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो कुछ और लैंग्वेज में आ गया, ये सारा का सारा अदर लैंग्वेज में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखें। ठीक है, और फिर हम अगर इसे इंग्लिश में करेंगे तो यहाँ से जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको ढूंढ लेंगे हम, कहाँ पर है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। ये कंट्री है, ये सेकंड वाला बेटा, यहाँ पे ये रहा, ये यूनाइटेड स्टेट, इस पर हम टच करेंगे और यहाँ से ये लैंग्वेज चेंज। तो इस तरह से गाइस आपके फ़ोन की लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।